तो मथुरा जहां से हेमा मालिनी को कुछ देर पहले आपने देखा था, वहां अब योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और वहां मंदिर में दर्शन करते हुए वो देखे गए। और ऐसे में चुनावी सफर जो है वो उसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया। अमित पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, क्यों पहुंचे हैं मथुरा योगी आदित्यनाथ? देखिए, अब से थोड़ी देर में यहाँ पर वो इस मंदिर में आएंगे, बांके बिहारी मंदिर आएंगे। आप देख सकते हैं कि पीछे ये बहुत पुराना बांके बिहारी मंदिर है और भक्तों की खास इसमें आस्था रहती है और सीएम योगी की आस्था भी इसमें खास है, क्योंकि दो साल हो गए हैं करीब इस सरकार के और 4 से 5 बार इस पूरे मंदिर का वो दौरा यहाँ पर कर चुके। जब भी मथुरा वृंदावन क्षेत्र आते हैं तो यहाँ पर वो इस यहाँ का दौरा, यहाँ का दर्शन जरूर करते हैं। और ये पूरा इलाका ब्रज क्षेत्र कहलाता है। ब्रज क्षेत्र में करीब 14 से 16 लोकसभा सीटें हैं। आपको ये याद रखना होगा कि कल से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर पहले और दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव है, वहां से उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। तो कल अगर सहारनपुर के शुभांकरी देवी मंदिर में अगर उन्होंने दर्शन किया था, तो आज ब्रज क्षेत्र के बांके बिहारी मंदिर में यहां पर वो दर्शन करेंगे और इसके बाद रैली को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर यहां की जनता को और करीब 12 से 16 जो लोकसभा क्षेत्र है यहां से जो आते हैं, यहां के लोगों को संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बराबर ये यहां से जुड़े हैं और वहां की जनता से वो काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम करें। जी, तो मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं दर्शन के लिए और जिस तरीके से बता रहे थे, सियासी लिहाज से भी बहुत अहम है यहां पर आना, क्योंकि लोकसभा की काफी सीटें अरुण आप बता रहे हैं। हमें जरा बताइएगा कि कितना वक्त और लगेगा उनको पहुंचने में योगी आदित्यनाथ को वहां पर, और उसके बाद का कार्यक्रम क्या होने वाला है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, करीब 20 से 25 मिनट में मुख्यमंत्री का यहां पर इस मंदिर में पहुंचने का कार्यक्रम है, शेड्यूल है जो, और उसके मद्देनजर जो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था है और तमाम जो इंतजाम हैं वो यहां पर किए गए हैं। भक्त हैं, थोड़ी देर पहले भक्तों को दर्शन करने दिए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी ये ऐसा घेरा यहाँ पर बनाया जा चुका है। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद इससे थोड़ी ही दूर जाएंगे, वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 15 से 20 मिनट का वहाँ पर कार्यक्रम है और उसके बाद वो यहाँ से वो जाएंगे। लेकिन यहाँ की जो स्थानीय सांसद है हेमा मालिनी, वो अपना नामांकन आज यहाँ पर फाइल करेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर उनका ये पूरा कार्यक्रम है, ब्रज क्षेत्र का कार्यक्रम है और यहीं से अगर हेमा मालिनी सांसद हैं तो प्रदेश के कद्दावर मंत्री श्रीकांत शर्मा हैं, ऊर्जा मंत्री हैं और पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, वो भी मथुरा क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और गोवर्धन के वो विधायक हैं। तो तमाम जो आला नेता है और जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और करीब 2 से 2.5 घंटे का यूपी सीएम का पूरा कार्यक्रम है। जी, 2 से 2.5 घंटे का ये कार्यक्रम, अमित हमारे सहयोगी बता रहे हैं। 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा, बांके बिहारी मंदिर में पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, उसके बाद रैली भी करेंगे और अमित वहां पर हेमा मालिनी भी उपस्थित रहेंगी क्या, क्योंकि वो वहीं मौजूद हैं मथुरा में? जी बिल्कुल, स्थानीय सांसद है और वो वहां पर तुम उपस्थित रहेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात भी की थी तो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। हालांकि जिस वक्त जब टिकट देने की बात चल रही थी तो स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत विरोध का सामना हेमा मालिनी को जरूर करना पड़ा था, क्योंकि अक्सर लोगों की उनसे शिकायत ये रहती थी कि वो इलाके में कम जाती हैं और लोगों से इंटरेक्शन उनका कम रहता है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पर, ये लोग अक्सर इससे पहले जो स्थानीय उम्मीदवार थे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार थे, इससे पहले जयंत चौधरी ने इस पूरे इलाके को रिप्रेजेंट किया था और हेमा मालिनी से यही शिकायत थी कि वो कम मौजूद रहते। बावजूद इसके बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा दिलाया और दोबारा उनको टिकट दिया। तो हमें करीब 5-7 मिनट में उनसे बात की थी, काफी कॉन्फिडेंट दिख रही थी और उन्होंने ये संदेश दिया कि जो वो चुनाव प्रचार करेंगी आने वाले दिनों में, तो ये मोदी लहर पर ही, मोदी सरकार के विकास कार्य पर ही करेंगी और जो सरकार ने तमाम जो योजनाएं चलाई हैं और पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने, खासकर ब्रज क्षेत्र के लिए
योगी आदित्यनाथ का खासा ध्यान रहा है। ये पर्यटन स्थल यहाँ पर इसको विकसित करने में बहुत यहाँ पर उन्होंने एफर्ट किया है और इसके प्रयास देखे गए हैं, ऐसा ये दावा कर रही है। ठीक है, तो इन बातों को वो जनता के सामने ले जाएंगी और वो इश्यूज समझाने की कोशिश करेंगी। ठीक है अमित, नजर बनाए रखिए आप, क्योंकि 20 से 25 मिनट के बाद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।